सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डी ई एफ तीन पार्टनर हैं फर्म के अंदर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 5, 7, 8, कैपिटल उनकी फिक्स है। तो यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट छोटा बना देते हैं और इसी का पार्ट बना देते हैं एक करंट अकाउंट। ये क्या बन गया हमारा करंट अकाउंट, ठीक है ना। और पार्टनर कौन है, डी ई एफ, डी ई एफ, और ये क्या बन जाएगा डी ई एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कैपिटल दे रखी है उनकी 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख। देख देते हैं बाय बैलेंस बीडी कितनी है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख और ये 8 लाख, ठीक है। डियर पार्टनरशिप डीड कहता है फॉलोइंग आइटम कंसीडर करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10%, दे देंगे भाई, दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ये डी को, ई को और एफ को, ठीक है ना। कितना देना है 10%, कैपिटल कितनी लगा रखी है 5 लाख, तो कितना हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 70,000, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 80,000, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर डाल देते हैं साथ के साथ अमाउंट, यहाँ क्या डाल देते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है हमारे को, चलो लिख देते हैं फिर भी बाय बैलेंस बीडी, अगर दिया हुआ तो दे देंगे करंट अकाउंट का बैलेंस, नहीं तो क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 70,000, नेक्स्ट क्या है 80,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी सैलरी कहता है 10,000 रुपये पर मंथ दे दो किसको, एफ को, तो 10,000 रुपये पर मंथ दोगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगी, दे दो भाई एफ को, हमें क्या दिक्कत है, जो क्वेश्चन बोलेगा हम देते रहेंगे। टू किसको दे देंगे, एफ को, एफ करंट अकाउंट, ठीक है ना। क्या देनी है सैलरी कितनी, तो 1,20,000 क्या दे दो आप सैलरी दे दो, किसको देनी है ये सैलरी, ये देनी है एफ को, एफ कौन सा पार्टनर है लास्ट पार्टनर, तो बाय सैलरी कितनी देनी है 1,20,000, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई ड्रॉइंग करता है, कोई पैसे निकालता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उससे 12% चार्ज करेंगे। कहता है डी कहता है ड्रॉइंग करता है 40,000, कब करता है ये 31 जनवरी 2009 को, ठीक है ना। ई कहता है मैं भी पैसे निकालता हूँ कितने 50,000, कब निकालूंगा 31 मार्च 2009 को। एफ कहता है मैं भी निकालता हूँ कितने 30,000, कब 31 दिसंबर 2009 को। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2009 फर्म ने अर्न किया है 3,50,000 प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना 3,50,000। अब ये देख लो बुक कब क्लोज होती है, कहता है प्रिपेयर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर हम बात करें 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी को बुक प्रिपेयर की गई, आप स्टार्ट हुआ आपका ईयर 1 जनवरी को और ईयर कब एंड हुआ आपका 31 दिसंबर को, ठीक है ना। तो आपने कब निकाले पैसे, फर्स्ट कहते हैं मैंने, फर्स्ट ने कितने निकाले हैं भाई, डी ने निकाले हैं 40,000, तो लिखेंगे ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग कैपिटल में से तो हम निकाले नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है साफ लिखा होना चाहिए कि कैपिटल में से निकाले हैं, तो इसने कितने निकाले हैं 40,000, नेक्स्ट ने कितने निकाले हैं इन्हें 50,000 और नेक्स्ट में कितने निकाले हैं 30,000, ठीक है। अब देखते हैं जी इसने 40,000 कब निकाले, ये 40,000 इंटू 12/100 और कितने मंथ का लगाना है, इसने निकालने हैं 31 जनवरी को, तो मतलब एक महीना यूज हो गया, तो बाकी कितने बच गए 11/12, तो इसका ये किसका निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा डी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई का, ई में कितना निकलेगा, ई ने निकाले 50,000, ठीक है, और कितने परसेंट से 12/100, कितने मंथ के लिए निकाले इसने, इसने निकाले मार्च को, मार्च मतलब 3 महीने गुजर गए, तो 3 महीने गुजरने के बाद कितने बचे 9/12, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा हमारा जो बी है उसका हो जाएगा।
सी की बात करें, सी मतलब एफ की बात करें, उसने निकाले 30,000, कब निकाले 31 दिसंबर, मतलब लास्ट दिन निकाले, तो इस पे कोई भी ड्रॉइंग के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किससे, डी से, ई से और एफ से, ठीक है ना। अगर हम बात करें एफ से तो कोई जीरो आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये फर्स्ट की बात करें डी से, तो ये 12 से 12 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ जाएगा, 400 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 को 11 से, तो कितना आएगा ये 4400 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें ये 12 से क्या हो गया, ये 12 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा ये 500 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो भाई कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 4500, तो यहाँ क्या लिखोगे 4500, ठीक है। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 8900, और यहाँ क्या लिखोगे, ये आपको फायदा हो गया, तो ये पार्टनर को नुकसान हो गया, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है ये, ए से कितना है, एक्स डी से कितना है ये 4400, और बी से कितना है, ई से कितना है ये 4500। अगर हम ई से बात करें, एफ से बात करें, एफ से कितना है, जीरो है। उसके बाद क्वेश्चन ने कुछ बोला है नहीं, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो भाई अब देखते हैं टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 3,50,000 तो आपका प्रॉफिट था, प्लस 8,900 आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया आपने, तो आपके पास कितना टोटल अमाउंट हो गया, 3,58,900, 3,58,900। और यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, किसके, डी के, ई के और ये एफ के, किस रेशो में, रेशो दे रखी है 8:5:7:8, तो 7 और 8 कितने हो जाते हैं, 15 और 5 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 20, ठीक है ना। टोटल कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 3,58,900, और अगर हम बात करें इसमें से हम क्या दे चुके हैं, 2 लाख का तो हम क्या दे चुके हैं भाई, 2 लाख का तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, उसके बाद 1,20,000 का हम क्या दे चुके हैं, ये हम सैलरी दे चुके हैं एफ को। उसके बाद हमारे पास कितने बचते हैं, बचते हैं 38,900, इसको कितने से, 38,900 को डिवाइड करो 20 से, डिवाइड करते हैं इसको 20 से, तो हर पार्ट में कितना आता है, 1945 हर पार्ट में आपके हिस्सा आ जाता है। फर्स्ट पार्ट को कितने देने हैं, 5 हिस्से देने हैं, इंटू कितने से कर देते हैं 5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9,725। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे हिस्से में कितना है, 4500 कितना था, 45, 1945, 1945 को कितने से करोगे, ये मिलेंगे 7 हिस्से आपको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपके अकाउंट में, 13,615, ठीक है ना। साथ में यहां भी उतार दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ए में कितना आया आपका 9,725, ठीक है, और बी में कितना है आपका, ई में मतलब 13,615, ठीक है ना। अगर हम बात करें तीसरे की, 1945 थे हर हिस्से में, और इसको कितने देने हैं, 8 हिस्से देने हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15,560, ये कितना आ जाएगा 15,560, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इसको टोटल करो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में, ये 5 लाख हो जाएगा, ये 7 लाख हो जाएगा, ये 8 लाख हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी कितना, 5 लाख, 7 लाख और ये 8 लाख, इसको टोटल कर दो 5 लाख, 7 लाख और ये 8 लाख, ठीक है। अब इसको टोटल करो, 80,000 तो आपकी कैपिटल थी, प्लस 120 आपको क्या मिलेगी, अच्छा कैपिटल तो करंट अकाउंट में तो बैलेंस था ही नहीं, 80,000 तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी कितनी थी 120 थी, ठीक है, और आपको कितने मिल गए, 15,500 और मिल गए, तो आपको कितने मिल गए,
15,560 रुपये और मिल गए, ठीक है ना, 560, ठीक है ना, 500 या 560, 560 मिले हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाते हैं आपके, 2,15,560 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना, कितने हो जाते हैं, 2,15,560 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें से कितना माइनस करो, 30,000 माइनस कर दो, माइनस कर दो 30,000, तो आपके पास अमाउंट कितना बचेगा यहाँ पर, 1,85,560 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन कर देंगे। नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास कितना था, 70,000 प्लस कितना आ गया हमारे पास, 13,615, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये 83,000 और ये 615, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस करते हैं, 83,615 में से माइनस कितना करोगे, माइनस करोगे 50,000, तो एक माइनस करोगे और क्या है, 4,500 एक माइनस करोगे, ठीक है ना। तो मेरे पास आएगा 29,115, तो ये सेकंड अमाउंट होएगा और ये थर्ड अमाउंट होएगा। अगर हम फर्स्ट अमाउंट की बात करें तो ये कितना था, 50,000, तो 50,000 प्लस कितना है, 50,000 प्लस 9,725, 9,725, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 59,725, 59,725, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 40,000 एक माइनस करना है और 4.4 मतलब 4,400 एक माइनस करना है, तो मेरे पास अमाउंट बनेगा 15,325। तो ये हमारा डी का पार्ट बनेगा करंट अकाउंट का, ये ई का और ये एफ का। तो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।